गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सुनहरी धूप का पाठ 8 पृथ्वी पढ़ेंगे। ये कविता है, पहले इसको समझाएंगे, कविता पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे, ओके। और फिर आज एक हम आपको निबंध भी समझाएंगे, उसको आपको लिख करके हमको चेक भी कराना है, ओके। तो इसमें देखो, पृथ्वी लिखा हुआ, पाठ 8 पृथ्वी है ना। तो देखो, एक पहेली दे रखी है, मैं अपने ऊपर हल चलवा कर सबके लिए अनाज उगाती, सहन शक्ति इतनी है मुझ में, इमारतों के बोझ से भी न घबराती। कौन है ये? मैं अपने ऊपर हल चलवाकर सबके लिए अनाज उगाती। कहाँ पर अनाज उगता है, कहाँ पर हल चलता है? पृथ्वी के ऊपर, है ना, धरती के ऊपर। सहन शक्ति इतनी है मुझ में, इमारतों के बोझ से भी न घबराती। कितनी बड़ी बड़ी इमारतें, होटल और पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं ना, सब धरती पे बने हुए हैं ना, लेकिन धरती चुपचाप से सबका बोझ सहन करती रहती है और कुछ घबराती नहीं है और कुछ भी बोलती नहीं है, है ना। तो ये कौन है? पृथ्वी। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। इस कविता में पृथ्वी अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रही है, आओ पढ़ें। पृथ्वी कहती, मैं चलती हूँ, हाँ चलती ही रहती हूँ, अपनी धुरी पर घूमती रहती, रात और दिन करती हूँ। पृथ्वी कह रही है कि मैं लगातार चलती रहती हूँ, ऐसे नहीं चलती जैसे हम लोग चलते हैं, वैसे नहीं चलती है, वो अपनी एक जगह पर ही घूमती है। जैसे ग्लोब देखा आप लोगों ने, वो एक जगह पर घूमता रहता है, उसी तरह पृथ्वी भी, धरती माता भी अपनी जगह पर, एक ही जगह पर घूमती रहती हैं, बराबर चलती, मतलब घूमती है बराबर, और उनके घूमने से अपनी दूरी पर घूमती रहती ग्लोब है। देखो जैसे ग्लोब ये है ना, ये चल नहीं रही है, पृथ्वी माता, धरती माता चलती नहीं है, ये बस यहीं पर ऐसे ऐसे घूमती रहेंगी, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगी, वहीं पर घूमती रहेंगी। और इनके घूमने से रात और दिन होता है, जैसे ये हिस्सा इनका सामने है तो मान लो दिन है, जब ये घूम के पीछे चला गया, इनका पिछला हिस्सा आ गया, तो यहाँ पर रात हो गई और यहाँ पर दूसरी जगह दिन हो गया, है ना। इनके ऊपर देखो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं पृथ्वी माता पर, है ना, और लेकिन फिर भी ये घबराती नहीं है, और तो ये अपनी बराबर चल और बराबर चलती, कभी रुकती नहीं है, ये अपनी जगह पर बराबर घूमती रहती हैं, और इनके बराबर चलने से रात और दिन होते हैं, रोज़ाना रात और दिन होते हैं ना, रात होती है दिन होता है, कभी भी ऐसा नहीं कि आज संडे है तो आज दिन नहीं होगा या आज मंडे है तो रात नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ये लगातार चलती रहती हैं और लगातार अपनी धरती, अपनी धुरी पर, अपनी जगह पर, एक ही जगह पर घूमती रहती हैं, और इनके घूमने से रात और दिन होते हैं। सूरज की मैं करूं परिक्रमा, एक वर्ष में एक ही बार, ये पृथ्वी की वो सूर्य की परिक्रमा करती हैं, एक साल में एक बार करती हैं, तभी तो ऋतुएं रंग बदलती, तभी तो आते हैं त्यौहार। एक साल में मतलब ऐसे घूमती हैं कि सूरज की, पूरे सूरज को घूम के चारों ओर एक बार घूम पाती हैं, एक वर्ष में एक बार घूम पाती हैं, और इनके घूमने से ऋतुएं आती, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बरसात आती है, और तभी तो आते हैं त्यौहार। और जब ये घूमती हैं अपनी जगह पर, सूर्य की परिक्रमा करती हैं, तो ऋतुएं बदलती हैं, और ऋतुएं बदलती हैं तो उनके साथ साथ त्यौहार आते हैं, जैसे सर्दियों में दीपावली देखो आ रही है, है ना, बारिश में रक्षाबंधन आती है, है ना, गर्मियों में गर्मियों के समय पर होली आती है, और भी त्यौहार आते हैं, तो ये दशहरा भी निकल के गया सर्दियों में, है ना। तो ये घूमती हैं, तो इनके घूमने सूर्य की परिक्रमा करती हैं, और एक साल में एक बार परिक्रमा कर पाती हैं सूरज की, तो इनके सूरज की परिक्रमा करने से इन ये ऋतुएं बदलती हैं, है ना, ऋतुएं गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात आती है, और ऋतुओं को बदलने से ही सारे त्यौहार आते हैं, है, सर्दियों में सर्दी वाले त्यौहार, गर्मियों में गर्मियों वाले त्यौहार, और बारिश में बारिश वाले त्यौहार। मैं चलती हूँ, तुम भी मेरे संग संग चलते रहते हो। पृथ्वी घूमती है तो हम लोग भी घूमते हैं, हमको समझ में नहीं आता है
लेकिन हम भी पृथ्वी पर तो रह ही रहे हैं, हम पृथ्वी घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं। अपने घर में बैठे हो, ब्रह्मांड की यात्रा करते हो, सारे ब्रह्मांड की, पूरे ब्रह्मांड की यात्रा धरती माता हमको करा देती घर में बैठे बैठे ही। चंदा कुंभ में बांध कर रखती जो मेरे संग संग चलता है, चंदा मामा को भी अपने संग संग घुमाती हैं साथ साथ में। कभी वह छोटा कभी बड़ा, वह जाने कितने रूप बदलता है। कभी चंद्रमा छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, देखा है ना आप लोगों ने, पहले कभी अमावस पे बिल्कुल गायब हो जाएगा, जब अमावस आती है तो गायब हो जाएगा। देखो ये चंदा मामा, ये देखो ये चंदा मामा की पिक्चर बनी है, देखो ये छोटे होते रहते हैं, हैं और ये ऐसे ये पूरे पूर्णिमा के दिन पूरे गोल बन जाएंगे ये, फिर धीरे 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 रोज़ 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 कटते कटते इतना 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 हैं, अमावस के दिन पूरे पूरा आसमान अंधेरा हो जाता है, चंदा मामा बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो कभी छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं, अमावस पे गायब हो जाते हैं, फिर अमावस के दूसरे दिन जब वो आती तिथि, पहली तिथि आती है तो उसमें थोड़े से निकलते हैं, फिर धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, कभी घट जाते हैं। तो ये काहे की वजह से, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के साथ साथ ये भी अपना 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 रूप बदलते रहते हैं, कभी छोटे कभी बड़े होते रहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये पृथ्वी का पाठ हमने पढ़ा और समझा, ठीक है ना, सबको समझ में आया ना। अब हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ हैं ये आपको कॉपी में लिख लेना है, एक इसमें पिक्चर, ये चंदा मामा की छोटी सी पिक्चर बना लेना, पाठ पाठ का नाम डेट प्रॉपर डालना, डाल करके चंदा मामा की छोटी सी पिक्चर बना लेना ये, उसके बाद शब्दार्थ लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अब हम ये सही शब्द चुनकर ये खाली स्थान भरवाएंगे, सही विकल्प चुनेंगे, मतलब को मैं बांध कर रखती, किसको बांध कर रखती, ये देखो चंदा को मैं बांध कर रखती, तो इसमें लिखा है खाली स्थान को मैं बांध कर रखती, सूरज ग्रह चंदा, किस पे निशान लगाएंगे हम, चंदा पर, ठीक है, चंदा, चंदा को मैं बांध कर रखती, कितने बदलता है रंग रूप ढंग, क्या बदलता है रूप, चंदा मामा रूप बदलते हैं ना, देखो चंदा को मैं बांध कर रखती जो मेरे संग संग चलता है, कभी वह छोटा कभी बड़ा वह जाने कितने रूप बदलता, क्या बदलता है रूप, ठीक है। तो ये रूप लिखेंगे यहाँ, तो पहले में हमने भरा चंदा और दूसरे में भरा रूप, इसको कॉपी में नहीं लिखना, केवल बुक में फिल करना है। अब हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी किस पर घूमती है, पृथ्वी किस पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती रहती, क्या लिखेंगे, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, ठीक है। पृथ्वी किसे बांध कर रखती है, पृथ्वी चंदा को मैं बांध कर रखती है ना, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे पृथ्वी चंदा को बांध कर रखती है, ठीक है। तीसरा है हम पृथ्वी के साथ किसकी यात्रा करते हैं, हम पृथ्वी के साथ किसकी यात्रा करते हैं, किसके साथ किसकी यात्रा करते हैं, अपने घर में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, सारे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं हम, कैसे लिखेंगे आप लोग, हम पृथ्वी के साथ ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, है ना, ठीक है। तो पहले का हो गया पृथ्वी किस पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी किसे बांध कर रखती है, पृथ्वी चंदा को बांध कर रखती है। तीसरा प्रश्न है हम पृथ्वी के साथ किसकी यात्रा करते हैं, हम पृथ्वी के साथ सारे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, सारे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, ठीक है। अब लिखित प्रश्न उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर है पृथ्वी क्या करती है, क्या करती है, पृथ्वी निरंतर चलती रहती है, अपनी धुरी पर घूमती है, रात और दिन करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, हा? तो क्या क्या लिखेंगे, पृथ्वी निरंतर चलती रहती है,
रात और दिन करती है और सूरज की परिक्रमा करती है। ठीक है, ये होगा तीन प्रश्न, तीन लाइनों में लिखना है। पृथ्वी निरंतर चलती रहती है, रात और दिन करती है और सूरज की परिक्रमा करती है, एक वर्ष में एक बार। ठीक है, दूसरा प्रश्न है पृथ्वी किसकी परिक्रमा कितनी बार करती है, इसका वही उत्तर हो गया, पृथ्वी किसकी परिक्रमा कितनी बार करती है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा एक वर्ष में एक बार करती है ना, सूरज की मैं करूँ परिक्रमा एक वर्ष में एक ही बार। यहाँ लिखेंगे पृथ्वी सूरज की परिक्रमा एक वर्ष में एक बार करती है। ठीक है, दूसरा उत्तर हो गया। अब तीसरा उत्तर है पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से क्या होता है, पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से क्या होता है। देखो सूरज की मैं करूं परिक्रमा एक वर्ष में एक ही बार, ये तो पहले दूसरे बारे का उत्तर हो गया। अरे तभी तो ऋतुएं रंग बदलती, तभी तो आते हैं त्यौहार। पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से ऋतुएं बदलती हैं और त्यौहार आते हैं। ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से ऋतुएं रंग बदल ऋतुएं बदलती हैं, लिखो आप लोग तो ऋतुएं बदलती हैं और त्यौहार आते हैं। हो गया, तो पहले का उत्तर क्या हुआ, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी निरंतर चलती रहती है, रात और दिन करती रहती है और सूरज की परिक्रमा करती है। हाँ, दूसरा है पृथ्वी किसकी परिक्रमा कितनी बार करती है, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा एक वर्ष में एक बार करती है। ठीक है, तीसरा पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से क्या होता है, पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से ऋतुएं बदलती हैं और त्यौहार आते हैं, ऋतुएं बदलती हैं और त्यौहार आते हैं। ठीक है, अब है उचित स्थान पर मैं और मैं लिखकर खाली स्थान भरना, कहीं मैं आया, मैं मतलब मैं अपने लिए और मैं मतलब उसके अंदर। खाली स्थान सूरज की परिक्रमा करती हूँ, कौन कह रहा है, पृथ्वी कह रही है, तो पृथ्वी क्या बोलेगी, मैं, माँ माँ में आई की मात्रा, मैं सूरज की परिक्रमा करती हूँ, कौन, पृथ्वी, पृथ्वी एक वर्ष में, इसमें में आएगा छोटी एक की मात्रा, पृथ्वी एक वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है। मैं चलती हूँ तो तुम भी चलते हो, यहाँ पे मैं आएगा, मैं आई की मात्रा, ये वाला आएगा, ये वाला मैं चलती रहती हूँ तो तुम भी चलते हो, तुम घर में बैठे बैठे ब्रह्मांड की यात्रा करते हो, मैं छोटा मैं छोटी एक की मात्रा, मैं चंदा को बांध कर रखती हूँ, मैं, तो बड़ा मैं कहाँ कहाँ आया, मैं सूरज की परिक्रमा करती हूँ, मैं चलती हूँ तो तुम भी चलते हो, मैं चंदा को बांध कर रखती हूँ, यहाँ तो बड़ा मैं आया, और पृथ्वी एक वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है और तुम घर में बैठे बैठे ब्रह्मांड की यात्रा करते हो, दो जगह छोटा में आया, हो गया, तो ये हो गया। अब ये खाली स्थान में और मैं वरना केवल बुक में ही फिल करना। अब वर्णमाला में व्यंजनों की पंक्ति के प्रथम व्यंजन पर उस पूरे वर्ग का नाम रखा जाता है, जैसे का वर्ग जब लिखेंगे तो उससे मतलब पूरी लाइन लिखी जाएगी, क ख ग घ ग, है ना,
पूरी लाइन लिखी है, तो इसको का वर्ग बोलते हैं। अब चा वर्ग जब लिखा जाएगा तो चा में च छ जा झा ङा, ठीक है, इसी ये हुए ना। अब आगे के वर्ग को आपको लिखना है, ट वर्ग का, ता वर्ग का और पा वर्ग का। ट वर्ग का हुआ ट ठ ड ढ ण ञ, है ना। ता वर्ग का ता था दा धा ना, ता था दा धा ना 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 नल का। पावर्ग का पा था बा भा मा, ठीक है, बा है ये गलत लिखा हुआ है इसमें, पा फा बा 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 पा फा बा भा मा, ता था दा धा ना, ऐसे हो गया ना, ता था दाधा ना पा फा बा भा मा। तो इस तरह से ये कुल पांच वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में पांच पांच व्यंजन होते हैं, होते हैं ना, हर वर्ग में पांच पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये है ना। इसी तरह से हर में पांच पांच व्यंजन होते हैं। दी गई पंक्तियों का सुलेख करो, इनको सुंदर लेख में लिखना है। सूरज की मैं करूं परिक्रमा, एक वर्ष में एक ही बार, इनको आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में इसके ऊपर पेंसिल फेरना है। और अब है पढ़ो समझो और लिखो। राम में ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है, देखो राम में छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगती, राम इस तरह से है घुमा के, रुकना रुचि रुई है घुमा के लगती है, ऐसे ऐसे। और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे सीधे लगती है, राम में रू ऐसे, रूप रूस रू रूठना रूम, है ना। तो बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, ठीक है, राम में बड़े ऊ की मात्रा। तो ये हो गया आपका पाठ पूरा, है ना। अब ये इसमें एक दे रखा है गिनती, एक से पचास तक आपको शब्दों में और अंकों में गिनती पढ़ना भी है और याद भी करना है, हैं, ये होमवर्क है आपका साथ साथ में। होमवर्क तो वैसे के क्वेश्चन आंसर का है, क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ लिखना है और एक छोटा सा चंदा मामा का चित्र बना लेना है, चित्र बनाना है, शब्दार्थ लिखना है और वे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर लिखना है। ये तो बुक में ही फिल करा दिए हमने आपको। ये गिनती है आपको एक से लेकर के पचास तक हिंदी में और शब्दों में और अंकों में लिखना है और याद करना है। गिनती लिखना नहीं है, चाहे एक बार लिखा दिया है हमने आपको तो लिखने की ज़रूरत नहीं, पर इसको याद जरूर कर लेना लिखने की। और इसके साथ अब मेरी माँ का निबंध, एक आपको निबंध आप लोगों को मेरी माँ के विषय में आप लोग लिख सकते हैं ना, आपके इसमें तो नहीं दे रखा है लगता, निबंध लिख सकते हैं या कागज़ का सदुपयोग, कागज़ का सदुपयोग आपके इसमें दे रखा है ना निबंध, इसको आपको अच्छी तरह पढ़ लेना है और याद कर लेना है, हैं, ये भी आ सकता है। अपनी मम्मी के बारे में तो लिख सकते हैं ना आप लोग, ये तो एक निबंध आपको लिख के दिखाना है, चाहो तो कागज़ का सदुपयोग लिख के दिखाना है और नहीं तो अपनी मम्मी के बारे में, मेरी माँ का निबंध है ना, मेरी माँ के बारे में, मेरी मम्मी सुबह उठती हैं, हाँ हम लोगों को तैयार करती हैं, हैं हम लोगों को तैयार करके हमारे लिए टिफ़िन तैयार करती हैं, हमको स्कूल छोड़ने आती हैं, फिर हमको लेने आती हैं, फिर हमको पढ़ाती हैं, घर में पढ़ाती हैं, हमारा गृह कार्य कराती हैं, हमारे सारे काम करती हैं ना, और हमको प्यार भी बहुत ज़्यादा करती हैं, है ना, और कैसी हैं खूब मम्मी सुंदर है मेरी, हैं। इस तरह से लिख करके आपको अपनी मम्मी के बारे में 10 लाइनें लिखना है, ठीक है। तो एक निबंध लिख के आपको दिखाना है, आपकी बार होमवर्क में आपको एक निबंध लिखना है, और नहीं या तो मम्मी के बारे में लिखोगे या फिर कागज़ का सदुपयोग,
कागज का सदुपयोग ये दे रखा है ना निबंध। कागज आज हमारे लिए अनिवार्य वस्तु बन गया है। कागज के बिना कुछ भी लिखने की कल्पना करना भी कठिन है। आपको विद्यालय या घर में कुछ लिखना हो, पापा को दफ्तर का काम करना हो, मम्मी को बाजार से खरीदे जाने वाले सामान की सूची बनानी हो, कविता कहानी या चिट्ठी लिखनी हो, ऐसी अनगिनत आवश्यकताओं के लिए कागज की जरूरत होती है। प्राचीन काल में कागज के अभाव में लेखन कार्य पेड़ की छाल या पत्तों पर किया जाता था। पहले ज़माने में पूर्व जब प्राचीन काल में पुराने समय में तब क्या करते थे कि उसमें पत्तों में केले के पत्ते पर बड़ा सा पत्ता होता ना केले का, उसमें और लकड़ी से लेकर लकड़ी को छील के बना लेते थे कलम जैसा, और उसको फिर डुबा डुबा के उसने जो चूना होता ना खड़ी उसने डुबा डुबा के फिर लिखते थे पहले उस समय पुराने ज़माने में। कागज़ हमें पेड़ों से मिलता है, जानते हो, इसे काफ़ी परिश्रम के बाद कारखाने में तैयार किया जाता है। कागज़ का एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः चक्रीकृत करके पुनः लिखने योग्य बनाया जाता है। कागज़ की रिसाइकिल की जाती है। एक बार कागज़ को काम में ले लिया हमने, फाड़ फूड़ के फेंक दिया, तो उसको ले जा करके फिर वापस गला देते हैं और फिर से दोबारा बना लेते हैं, तो वो दोबारा काम में आ जाता है। पता है हम पुनः चक्रित कागज़ घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए पुराने कागजों की लुगदी बनाकर उसे गत्ते में दबाकर सुखाना पड़ता है। आज कागज़ की जितनी आवश्यकता है उसके लिए अनेक पेड़ों का योगदान लिया जाता है। अतः हमें बेकार में कागज़ नहीं फाड़ने चाहिए, कागज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। कागज़ को हमेशा काम के लिए उपयोग करना चाहिए और बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप लोगों को मालूम है जब गांधी जी कोई पत्र लिखते थे उस समय, गांधी जी के समय पर पत्र लिखने का रिवाज था, परंपरा थी, तो गांधी जी पत्र लिखते थे और जब उन्होंने पत्र पूरा लिख लिया उस पेज में, और यदि पेज में जगह खाली हो गई, मान लो इतनी जगह ये चार लाइन खाली है ना, तो वो क्या करते थे गांधी जी कि उन चार लाइनों को फाड़ कर अपने पास रख लेते थे, खाली खाली वाली को, और कोई ज़रूरी काम की चीज़ें फिर उसमें लिख लेते थे। उतना उस पत्र के साथ में पोस्ट नहीं करते थे क्योंकि वो तो बेकार चला जाएगा, है, पढ़ने वाला तो लिखी हुई चीज़ पढ़ेगा और फेंक देगा, है ना। तो गांधी जी भी इतनी बचत करते थे, तो हमको भी कागज़ के बारे में कागज़ बहुत सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए और उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो या तो ये कागज़ का सदुपयोग लिख लेंगे या मेरी माँ के विषय में निबंध लिखेंगे। निबंध एक लिख के ज़रूर चेक कराना हमको, ठीक है। ओके, गुड डे।